चलो, ये एक बहुत स्पेशल ग्राफ है बच्चों, ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फिजिक्स, द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का एक स्पेशल ग्राफ है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि इमेजिंग कीजिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ग्राफ को समझ लोगे तो बहुत कुछ फिजिक्स में समझ जाओगे कि अगर एक ब्लॉक है, इस पे जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता हूं वैसे वैसे इधर लगने वाला फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो फ्रिक्शन पहले स्टैटिक होगा, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग तक आएगी, ठीक है। उसके बाद जब ब्लॉक चलने लगेगा तो फ्रिक्शन लगने लगेगा काइनेटिक। तो ये जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग देगा। तीन टाइप का फ्रिक्शन इस पे लगेगा, लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक। तो जब अप्लाइड फोर्स होता ही नहीं, अप्लाइड फोर्स जीरो होता है, तो रफ सरफेस होते हुए भी फ्रिक्शन जीरो आ जाता है बच्चों। फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, अप्लाइड फोर्स जीरो है। तो यहां से ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा 0.0.0। अब देखो इसमें सिनेरियो में देखो कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स, एनिमेशन में देखो आप, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, अब देखो ग्राफ अच्छे से एनिमेशन में देखो, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ बढ़ रहा है। और कब तक बढ़ेगा ग्राफ, जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा और काइनेटिक लगने लगेगा, बिल्कुल इस बाल्टी की सिनेरियो की तरह। जैसे बाल्टी खाली है तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे बाल्टी में जो पानी बढ़ रहा वो फ्रिक्शन की तरह है, ठीक है ना, फ्रिक्शन की तरह है। तो ये इतना जो भी, हाँ, ये जो टॉप वैल्यू है 25 लीटर, ये 25 लीटर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये जो सारी वैल्यू है 25 लीटर से कम वो सारी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो चलो अगर ये एंगल देखोगे, इस पॉइंट, कोई पॉइंट देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्राफ में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये जो टॉप पॉइंट है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये जो फिक्स हो गया वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अगर ये पॉइंट देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतना कुछ है फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये अप्लाइड फोर्स है। हम सबको पता है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू। तो ये जो एंगल है, अगर टेन थीटा लगाओगे आप यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन और ये स्टैटिक के केस में अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो इज इक्वल टू एल। तो थीटा यहाँ हमेशा 45 होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन स्लोप जो थीटा है वो 45 डिग्री ही होगा। तो ये पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि लिमिटिंग है, एंड इट्स वैल्यू इंक्रीज लीनियरली विद अप्लाइड फोर्स। दूसरा, जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी स्टैटिक की, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और उसके बाद जो है ब्लॉक चलने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो चेंज नहीं होता है अप्लाइड फोर्स से, और ये कॉन्स्टेंट होता है व्हाट इवर द अप्लाइड फोर्स। तो ये बेसिकली एक अच्छा सा ग्राफ है, आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आएगा आ गया होगा। ये सब काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट, इस सब पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है स्टैटिक। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का वो लिमिटिंग